रीता देख ले, अभी भी मौका है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं तेरे घर से तवा उठा लाया हूं, अब रोटी किस पे सेकेगी। बेटे स्वतंत्र, वो आपकी चप्पलों से मार मार के पहले तो चांद गंजी कर देगी, फिर आपको बिठा देगी वो धूप में, और जब आपकी चांद गर्म हो जाएगी तो वो रोटी भी सेक लेगी। देख, चाहूंगा मैं तुझे शान सवेरे, फिर कभी नाम न ले तेरे, आवाज में नहीं दूंगा। अरे ये सब नकली बातें, आवाज में लड़के यहां तक इतने बुरे होते हैं कि उसकी शादी भी तय हो जाए ना भाई साहब, फिर भी पीछा नहीं छोड़ते, लास्ट तक जब तक पूरा रिश्ता खराब नहीं कर लेते। मैं नहीं जानता लड़कों को, आवाज मैं नहीं दूंगा। आवाज, लड़की फेरों पे भी जा रही होती ना तो भी आवाज देके, रीता देख ले अभी भी मौका है, कुछ नहीं करना है इसको, दो घूसे लगा के इसकी शेरवानी उतार के मैं ही पहन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू बता दे बस। तू दबाव में तो नहीं ले रही है फैसला? रीता कहती थी कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूं, परेशान हो गई थी तुझसे, बहुत टॉर्चर करता था, निकल ले अब। तू आ कैसे गया, तुझे पता कैसे चल गया मंडप का एड्रेस? देखिए हालत कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतजार कर। उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतजार कर, करो इंतजार, रहो उसके इंतजार में। ये भी वही लड़के हैं कि जिनकी होप आखिरी टाइम तक बनी रहती है, फेरों के बाद लड़की शादी होके भी अपने घर चली जाए। देख लो, सोच लो, अगर अभी भी तुम डाइवोर्स लेके आ जाओगी तो मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। लड़की कहती है मैं डाइवोर्स लेके भी आ जाऊंगी और तुम खड़े ही रह जाओगे, मैं साइड से निकल जाऊंगी, तुम मुझे फिर भी नहीं चाहिए। लेकिन इनकी होप नहीं टूटती, होप बनी हुई है इनकी। आन है अबिरल शुक्ला, उसने धोखा दिया अब इंतकाम होगा, ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी, उसके हस्बैंड को तोड़ूंगा सर। वाह बेटे वाह, अबिरल कान तोड़ दूंगा तुम्हारा, सीरियसली बोल रहा हूं। हस्बैंड की क्या गलती है इसमें, उसके साथ तो खुद किसी ने धोखा किया है, वो खुद परेशान है, उसे तोड़ के क्या मिलेगा, वो तो तुम्हारी ही प्रजाति का एक कुपोषित नागरिक है। सिलेक्शन कैसे पाए, जीएफ ने शादी के लिए कहा बट उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तभी मुझसे वो शादी करेगी, 2 ईयर का टाइम दिया है उसने मुझे। अब मतलब लड़कियां लड़कों को टाइम दे रही हैं, वाह। पहले घर वाले लोगों को टाइम देते थे कि तुझे को नौकरी के लिए इतने साल मिले हैं, ये है वो है, जो करना है कर ले। अब महिलाएं टाइम दे रही हैं कि तुम्हारे पास 1.5 साल है, वरना तो कई बैंक पीओ हैं, बैंक क्लर्क हैं जो इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, बट देख लो तो 2 साल में कुछ हुआ तो ठीक, वरना मैं पीओ साहब के साथ निकल जाऊंगी, फिर तुम पीते रह जाओगे, समझ रहे हो ना? तो भैया इसलिए नौकरी ले लो, जो इस तरीके की शर्तें दे रहा है उनसे कह दो कि आज ही मेरे जीवन से आप विदा लीजिए, और मैं समझता हूं कि अगर आपके प्यार की कीमत मेरी नौकरी है तो मैं 1% नौकरी ना भी ले पाया या नौकरी मिलने के बाद भी छूट गई तो आप तो साथ छोड़ देंगी, तो मुझे ऐसा साथ नहीं चाहिए जो नौकरी पे निर्भर है, नहीं चाहिए ऐसा साथ, क्या करूंगा ऐसा साथ जहां नौकरी मैंडेटरी है। साथ देना है तो ऐसे ही दो, नौकरी तो मैं ले ही लूंगा अगर तुम्हारा साथ रहा, बट अगर शर्तों पर चाहोगी तो जीवन नहीं जिया जा सकता, ऐसे कह दो एक बार, कह दो एक बार ऐसे। ऐसे ही टीचर चाहिए स्कूल और कॉलेज में जिनसे बच्चे डरे नहीं बल्कि खुश होके पढ़े। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। देखो भाई, निशा वर्मा बेवफा है, अबिरल शुक्ला लिख रहे हैं। यार अबिरल, आपने उसका नाम भी यहां पे लिख दिया। देखिए आप लोग यही बहुत गलती करते हैं, हंसते हंसते विदा दे दीजिए, अगर कोई आपसे दूर जाना चाह रहा है तो हंसते हंसते विदा दे दीजिए, उसको भी याद आएगी यार क्या आदमी था यार, जब तक साथ थी तब तक प्यार दिया और जब दूर जाने की बात कही तो भी कहा ठीक है, तुम्हें अगर इसमें खुशी मिलती है तो तुम्हारे प्यार के लिए हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। आप क्या करते हैं पता है, रिश्तों को खराब कर देते हैं कि फिर कभी मिले भी मुलाकात भी हो तो नजरें भी ना मिला पाए। किसी भी रिश्ते को इतना खराब मत करिए, जब रिश्ते बोझ बन जाए तो उन्हें भूलना बेहतर, उन्हें छोड़ना बेहतर, कभी मिले तो मुस्कुरा सकें एक दूसरे को देख के, इतना तो रहने दो। कभी वो भी बेलोन भवानी के दर्शन करने गई है और तुम भी गए हो, उसके कंधे पे एक बच्चा लटका हुआ है,
जिसमें तुम अपना रूप देख रहे हो, याद करो वो पल। और वो बार बार कोशिश कर रही है कि थोड़े से पतिदेव अलग हो तो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दे। क्या आप नहीं चाहते उस मुस्कुराहट को, इस मोड पर रिश्ते को ले जाना चाहते हैं? अरे यार आप समझ ही नहीं रहे बात को। ऐसा नहीं है कि वो बेवफा है, उसको वफा आती है, बट वफा के रूप में उसे आप पसंद नहीं। आप ये क्यों नहीं समझते? लड़के इस बात को ईगो पे क्यों ले लेते हैं? क्यों उनसे ये बात डाइजेस्ट नहीं होती? आखिर वो है तो किसी लड़के के साथ ही ना, तो वफा करनी तो उसे आती है, बट वफा के रूप में उसे आप पसंद नहीं थे। स्वीकार करिए इस बात को।